This is Richa. Hi, I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun. तो हम फिर से आ गए कोक स्टूडियो पे. And today we are going to react on Coke Studio Season 10. And the song is Maavre, which is by Shuja. Hi there, and I'm a bag. And हम दोनों हमारे already बहुत अच्छे favourites में आ चुके हैं. I'm a bag specially, literally specially. उनके कितने सारे गाने थे कि सब में she is like outstanding. Outstanding, versatile. ये सॉन्ग भी वो एकदम रॉक कर रहे हैं, वो सॉन्ग भी एकदम रॉक कर रहे हैं, रुलाना है रुला रहे हैं, हंसाना है हंसा रहे हैं. अब देखते हैं इसमें क्या मूड होने वाला है हमारा. लेट्स स्टार्ट. कोक स्टूडियो सीजन 10. उनकी स्माइल बहुत अच्छी है यार. और क्या बोल रहे हो इंस्ट्रूमेंट. उफ क्या बात है. पीछे ले लो. जब फील्स आ रहे हैं तो गा रहे हैं. Thank you.
के कहाँ चला हुआ हाथ बेटा वो चल रहा था में देते हैं क्या यार से जाते वो सारे वायलिन प्लेयर्स जैसे बजा रहे हैं प्यारा सेटअप है यार लुक एट हिज स्माइल फर्स्टली शुजा इधर भाई वो गाना वरना ना ये एक्चुअली थोड़ा सैड सॉन्ग था मेरी स्माइल नहीं रुक रही थी उनको देख के एक तो वो प्यारी से स्माइल हल्का सा ही स्माइल वो आई डोंट नो कुछ लोगों की स्माइल होती है सूदिंग इनकी सूदिंग स्माइल थी वो गाना जैसा भी चल रहा है जो भी लिरिक्स है वही उनको देख के बाकी के लोग जितना एंजॉय कर रहे थे ना वो देख देख के खुद को भी वैसा लग रहा था भले सैड था लेकिन इतना ये वीडियो के बिना देखे ना तो हम लोग ऐसे लॉस्ट रहेंगे हम ऐसे सैड रहेंगे बहुत ज्यादा सैड बट ये वीडियो के साथ इतना अच्छा मजा आ रहा था सबको देख के सब कितने फन मतलब सब कितने मजे कर रहे थे लाइक यू नो मोहित चौहान के सॉन्ग सुनते हैं ना वो जो वाइब देता है ये एग्जैक्टली सेम आइदर आई मीन सेम वाइब शुजा आइदर का एंड वो बहुत अमेजिंग वाइब्स है वाओ लाइक मोहित चौहान मेरा फेवरेट है एंड नाउ शुजा आइदर मेरा फेवरेट है बहुत ही सही यार एंड एमा बैग बहुत डिफरेंट दिखते थे अरे मुझे अगर नाम नहीं होता मैं पहचान नहीं पाती कि परसेंट एक तो हरे बस उनकी आवाज स्टाइल के ना आई फील उनकी हेयर स्टाइल एंड क्लोथिंग सेंस उनके चीक्स पे बहुत कम थे इस ना पता है जो दूसरे ज्यादा कम नहीं हो सकते हां मतलब हो सकते हैं और बहुत बट नॉर्मली भी उनको कोई दूसरे वीडियोस में देखो जो रीसेंट है उसमें भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे आतिश में उनके चीक्स काफी थे कंपैरेटिवली उससे लाइक एक सीजन का डिफरेंस है आई डोंट नो कितने ईयर्स बट एक सीजन का डिफरेंस है एंड लेकिन शी लुक सो डिफरेंट हर वीडियो में हम सब एक चीज से रिकॉग्नाइज कर सकते थे वो थी उनकी आवाज वो जिस पिच पे और जिस वे में गाते हैं ना
बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग इज सो गुड एंड एमओ बी की हेयर स्टाइल, वो हर सॉन्ग में अलग हेयर स्टाइल होती है। आई थिंक काम बिजली से स्टार्ट किए थे एंड काम बिजली में उन्होंने कॉल्स किए थे, बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था, वो वाइब भी अलग, सॉन्ग अलग, सब अलग था वो। एग्जैक्टली यहां पे कितना सूदिंग, मतलब कितना एक इतना अलग पिच में गाना था, बिजली कितना डिफरेंट था, बहुत वी लव दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा था। जो सबसे मेन जो म्यूजिशियंस है बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, माय गुडनेस हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, इतने अच्छे से, कितने चिल्ड हैं वो लोग, वो चिल्ड कितने हैं, वो दिख रहा है उनकी प्रैक्टिस, हाइपर होती सब कुछ, सारा डेडिकेशन है वो, सब कुछ है, उन्होंने किस लेवल पर प्रैक्टिस की होगी कि वो ये रिजल्ट दे पाए, एंड कितने कामली सब अपना अपना काम कर रहे हैं विद अ माइल्ड स्माइल। जहाँ पे कुछ आई गेस शुरू में ही एक सेकंड पैरा में सेक्शन था जहाँ पे तबला ज्यादा नोटिस हो रहा था, वो भी बहुत अच्छा पार्ट था, सब कुछ बहुत अच्छा था। कोक स्टूडियो की एक खासियत है, हमने लास्ट वीडियोस में बोले कि हर इंस्ट्रूमेंट को हाईलाइट करके दिखाते हैं, यू नो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक वाई, कोक स्टूडियो अपना एक अलग लेवल है, बहुत डिफरेंट स्टैंडर्ड है वो, अब भले कोई भी कंट्री के हो तो कोक स्टूडियो ने हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया, उल्टा वो हमेशा उसके Thank you. Bye. Take care. Show some love.